मैं डॉक्टर सुभाष जाधव, डिप्टी कमिश्नर सार्वजनिक आरोग्य विभाग, इस नाते आज हम यहाँ उल्लासनगर के उल्लास स्टेशन के समीप जो हमारा गणपति का विसर्जन घाट बनाया है, उसमें कल जो उत्तर भारतीय लोगों का जीवतिया माता के पूजन का एक समारोह संपन्न हुआ था, उस समारोह में बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर भारतीय नागरिक यहाँ पे आते हैं और यहाँ जल पूजन करते हैं। लेकिन उस जल पूजन करने के दरमियान बहुत ज़्यादा मात्राओं में यहाँ हार फूल जो पूजा आदि साहित्य होती है, सामग्री होती है, यहाँ जमा होती है। इसको हम ये घाट हमारा स्वच्छ सुंदर बना रहे हैं, इसके लिए हम आज यहाँ पे सारे समाज सेवी संगठन के लोग, सभी नागरिक यहाँ आके और हमारे स्वच्छता विभाग के सब कर्मी यहाँ आके, हमने इस घाट का पूरी तरह से, आपने देख सकते हो कि अच्छी तरह से सफाई की है। इसी तरह से हम सेंचुरी और बोट क्लब में भी हम यहाँ महानगर नगर पालिका की तरफ से सफाई अभियान यहाँ मनाए जा रहे हैं। ये भारत सरकार की ओर से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इंडिया वर्सेस गार्बेज, ये स्वच्छता अभियान का मुहिम चलाया जा रहा है। इस अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंक क्रिएट की है, उस लिंक पे हमें इसका रजिस्ट्रेशन करना है। मेरी महानगर पालिका की ओर से आप सभी नागरिकों को ये विनती रहेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस लिंक पे जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और उल्लासनगर के इस स्वच्छता अभियान में पॉजिटिवली और फिजिकली इसमें सम्मिलित हो और हमारा उल्लासनगर स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद कीजिए। ये अभियान हम उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त अजीत शेख सर और अतिरिक्त आयुक्त महोदय श्री जमीर लेंगरेकर सर, इनके मार्गदर्शन में और इनकी प्रेरणा से हम प्रभावी रूप से इसको हम कर पा रहे हैं और इसको उल्लासनगर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसा सुंदर बनाएंगे और हम अच्छे टॉप रैंक में कैसा है, इसके लिए सबको हमें एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मेरे सभी रहवासियों को विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस अभियान में सम्मिलित हो और ये अभियान यशस्वी बनाएं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इस अभियान में हमें एक लिंक है, जो लिंक मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा, आप ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट कीजिए। इस लिंक पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना है और इस लिंक की अंतिम तारीख है 25 सितंबर। याद रहे, मैं रिपीट करता हूँ, इस लिंक में आपको जानकारी फिल करने की अंतिम तारीख है 25 सितंबर। उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को मेरा आह्वान रहेगा कि आप इस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और हमारा उल्लासनगर स्वच्छ सुंदर बनाने में कामयाब कीजिए। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से स्वच्छता अभियान पूरे शहर में जन जागृति करके किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो आह्वान किया है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में ये अभियान को पहुंचाने का काम सरकार यहाँ कर रही है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि जब तक पूरी जनता इसमें सहभागी नहीं होती है, तब तक ये अभियान सफल नहीं हो सकता है। तो इसी के माध्यम से कल जुतिया माता पूजा का, उत्तर भारतीय महिलाओं का महोत्सव था, विसर्जन घाट पर भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित, उन्होंने अपनी पूजा पाठ किया था और जो निर्माल्य है ये यहीं पर जमा हुआ था। ये जो कचरा था तो हमने अशोका फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को आह्वान किया, महानगर पालिका से यहाँ पर DMC जादव सर आए थे, पवार सर, केने सर, हिवरे सर, बिनीवाले जी और पूरी टीम यहाँ पर आई थी और अशोका फाउंडेशन के सभी यहाँ पदाधिकारी है, समाज सेवक है, माजी नगर सेवक है, शेड़की जी, जमील खान, फिरोज खान, अशोका फाउंडेशन सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे और सभी ने यहाँ पर मिलकर ये परिसर को, ये घाट को पूरा स्वच्छ किया है। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों से अपील करता हूँ कि आप सब आइए, सभी सामाजिक संस्थाओं से अपील करता हूँ, आप सब आगे आइए और इस सर्वेक्षण में आप सहभागी होइए। जब तक आपका प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर सहभाग नहीं होगा, हमारा शहर स्वच्छ नहीं हो पाएगा। जिस तरह हम हमारा घर स्वच्छ रखते हैं, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हमारा परिसर, हमारा वार्ड, हमारा शहर हम स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और मैं हमारे शहर के सभी युवा, सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण की जो लिंक आपको शेयर की गई है, उस लिंक पर जाइए और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि ये जो अभियान चल रहा है ये इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत पूरे शहरों का एक कंपटीशन है। ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों ने इसमें सहभाग होना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों ने उस लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि हमारा शहर नंबर वन हो तो कृपया इस लिंक पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना शहर स्वच्छ रखने में सहयोग करें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।